से हैं आप भी, तो आप इस वक्त जी इतनी रात लेट क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं, आपको काम पे नहीं जाना कल? मैं सिंगल लोग जागते रहते हैं, क्या करें। सिंगल लोग जागते रहते हैं क्यों, ख्वाब देख रहे होते हैं आंखें खोल के? किसके नहीं भाई जो है बस जागते रहते हैं। पीछे क्या देख रहे हैं, मम्मी है क्या पीछे? नहीं कोई भी नहीं, घर वाले सब सो रहे हैं। अच्छा, घर वालों को सब सुला कर आप यहाँ पर मालिश को देख रहे हैं, पकड़े गए तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा? आर यू नहीं श्योर? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? पाकिस्तान, कराची में कहाँ रहते हैं? मौसमियात के पास, कहाँ पर? मौसमियात के पास वो कौन सी जगह है, ये तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। ये नई बनी जगह जगह नहीं बनी है जगह, डिफेंस की नहीं। तरफ है? जी जी ये कामन चुरंगी की तरफ आपकी गई डिफेंस में। नहीं, मैं नाजाबाद में रही हूँ, पापोश में पैदा हुई हूँ, गुलशन इकबाल में रही हूँ, डिफेंस में भी रही हूँ, क्लिफ्टन में भी रही हूँ। हाँ, मैं सारे घूम घूम के आई हूँ। मैं सखर में भी रही हूँ, मैं फिर क्वेटा भी घूमी हूँ, इस्लामाबाद भी गई हूँ, लाहौर भी गई हूँ, मरी भी गई हूँ। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो नीचे गंदी लोग बैठ के गंदी गंदी बातें करते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हेटर्स का काम है फेम देना, फेम हे लो हाँ, बस, ये बात सही करी है आपने यार। पकड़ो पकड़ो फेम पकड़ो जी। हेटर्स का काम है फेम पकड़ो, तो करो आजकल करो क्या बुराई करो। हम मशगूलियां चल भी रही हैं आपकी कराची में, क्या जी, सुबह हम काम पे होते हैं और करते रात में हम जॉब करते हैं जी। हैं? तो जॉब तो सभी करते हैं, मगर जॉब में क्या जॉब करते हैं आप? जी सॉफ्टवेयर का काम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अच्छा, देखो जी। स्मार्ट लोग भी हैं पाकिस्तान में, वही मैं कहती हूँ, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी रहते हैं। तो और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी आवाम को यहाँ पर? 3,000 लोग देख रहे हैं आपको। ये गंदी आवाम है, गंदी आवाम, ये बेगैरत लोग हैं कैसे ठीक किया जाए जी। इनको? बाबा पापा जी रहे हैं, दिल बाबा को भी मैं सलाम बोल देती हूँ। बोले अब हम आ गए ऊपर। बाबा जी से दूर भाग असल में उस जल्दी सोने वाले लोग हैं ना जी, बोले अच्छा, मैं क्यों सुनूं अभी क्या टाइम आपकी हो रहा है, जल्दी सोने वाले? अभी तो काफी लेट नहीं हो गया पाकिस्तान में? बात जी। अभी 11 बज रहे हैं, हमारे घर वाले जल्दी सो जाते हैं। हाँ तो 11 बजे? हाँ, मैं भी नहीं सोती हूँ 11 बजे, तो सो जाना चाहिए मुझको, मगर सोती नहीं हूँ मैं। अच्छा, कुछ और आप कहना चाहते हैं लोगों को इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, या मुझको? आगे क्यों, मैं तंग कर रहा हूं आपको। नहीं, आप मुझको तो नहीं तंग कर रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं, मगर सबको मौका मिलना चाहिए ना। नहीं, किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए, खराब लोग हैं सब लोग, खराब हैं। जहां लड़की देखनी वहीं अच्छा छेड़ते हैं लोगों। हाँ हाँ ऐसी आवाम हमारी, वो तो आपको नहीं है, पता। मगर आपके आपको क्या लगता है ऐसी फ्रस्ट्रेशन क्यों है इनके अंदर? गंदे ख्याल आते थी, गंदे लोग हैं। मैं तो कहता हूँ मगर शादी कर क्यों, लो वहां भाई। पे तो लड़कियां कोई ऐसे कपड़े पहन के थोड़ी घूमती हैं, यहाँ हम बाहर बिकिनी पहन के घूम ले तो कोई आंख उठा के नहीं देखता, मर्द ऐसे ही निकल जाते हैं, कोई बिकिनी बीच पे घूमो कोई कुछ नहीं करता, आप हाथ अभी नहीं कहाँ पे, लगाते। अमेरिका में आप। मैं कनाडा में हूँ, और पाकिस्तान में बुरके वालियों को भी उंगली लेके चले जाते हैं ये। बेगैरत हैं लोग भाई, क्या करें। अपनी माँ को भी दिखाते हैं, दूसरी माँ को भी देखते हैं, हाँ, तो वही क्या बात करें। मैं पूछ रही हूँ ना, कि फ्रस्ट्रेशन की कोई ना कोई तो वजह होगी ना, क्या है ये वजह इसकी? एक वजह शादी कर जी, ले, शादी 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 तो कर हर ले एक चीज की वजह। होनी है ना, नहीं, शादी शादी शुदा भी करते हैं। वो फिर डबल बेगैरत है, वो फिर शादी डबल बेगैरत है, क्या करें। शुदा भी करते हैं, ये बताइए वो ना, फिर डबल ये फ्रस्ट्रेशन। मुझे ऐसा लगता है कि देखें, अब हमारी सोसाइटी तो ऐसी, यहाँ पर जैसी सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी है, राइट? मगर ये लोग कहते हैं बेगैरत लोग हैं, ये काफिर जो है। अफ्रीका में चंद ऐसी सोसाइटीज हैं जो नंगे पैदा होते हैं, नंगे ही रहते हैं, वो नंगे ही रहते हैं, वो सिर्फ एक पत्ता लगा लेंगे, तो उनके बच्चे जो शुरू से देख रहे होते हैं ना, तो वो आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको सेक्स से जोड़ते नहीं है, वो
उनके लिए वो नॉर्मल चीज होती है, जैसे एक बाजू हो गया या टांग हो गई, वो देखते रहते हैं देखते रहते हैं। हमारी आवाम को दिखने को नहीं मिलता है, तो उनको जरा सी भी अगर नहीं बाजू मिलता भी दिख ना, जाता है ना, तो वो लपक पड़ते हैं वो, जो नहीं होता जानवर ऐसे लपकता है गोश्त के ऊपर, वैसे लपक पड़ते हैं, हाँ, वो वैसे तो लपक बेचारी पड़ते हैं वैसे। बकरियों को नहीं नहीं सबको, छोड़ते। हमारे यहाँ सबका यही हाल है भाई, मुल्ला हो या फिर चिकना बच्चा हो, वो ये चिकने बच्चे को भी नहीं छोड़ते, इतने लौंडे बाद यहाँ के लड़के। तो आप सही बताओ सही ज्यादातर बताइए तो आप मदरसों में ऐसे। बच्चे लड़के ही जाते हैं बेचारे, लड़कों जितनी भी अभी होता देखो, ही। ढाई लोगों ने देखा कितने खराब कमेंट आ गए, इनका इनका तो काम ही है कि जो है लोगों का खराब करना। हाँ, कोई औरत, बिल्कुल सब। कोई औरत नहीं भी खराब होगी ना जी, उसको ये लोग खराब कर देंगे। ये तो है। अब आप मैं पे गालियां तो नहीं देती थी ना, मगर इन्होंने मुझको मजबूर किया कि मैं इनको इन्हीं की लैंग्वेज में समझाऊं। मैं अच्छी खासी बातें करती थी यहाँ पर आके, खामखाई में नीचे गालियां दे रही, खामखाई में नीचे, ऐसे लगता है कि मैं इनकी माँ बहन भगा के ले गई, लगा बकरी भगा के ले गई, है ना। आप सही कपड़े पहने तो मुसीबत, खराब कपड़े पहने तो मुसीबत। आप औरत कपड़े हैं ना किसी पहने इनको तो लोग मुसीबत नहीं होगी इनको तो फिर तो लपक लपक, फिर तो 5,000 तक चले जाएंगे लोग भाई, 10,000 तक चले जाएंगे। हाँ, ये तो यहाँ के हम ऐसी है, खोलो और खुलने दो। हाँ अच्छा खोलो और खुलने दो आप बताओ, यहाँ आपकी के शादी हम। हो गई, नहीं, मेरी शादी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे, अल्लाह का शुक्र है, बचे हुए हमारी क्या शादी मतलब नहीं। लोग। पाकिस्तान में तो हर चीज का एक ही इलाज है, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, बस मुंडा बिगड़ रहा है नहीं शादी करा करेंगे ना, दो, अब करेंगे है अभी, ना। इतनी हम इतनी जल्दी नहीं, अभी हम करेंगे, टाइम है हमारी शादी करेंगे। पहले काम करो, अपने आप को बनाओ कुछ, फिर शादी करो, ताकि उनका भी मुस्तकबिल अच्छा हो, जो शादी यही करने होना हम इतने थोड़ी चाहिए। ना, बच्चे पैदा करना उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना जी, उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है ना, उसकी जिम्मेदारी नहीं, लेनी। मगर इनका तो ये कहना होता है अल्लाह मियाँ की देन है बच्चा, वो खुद ही अल्लाह मियाँ ही बरसाएगा खाने पीने के लिए। इसी तरह से कितने बच्चे बेचारे रुल रहे हैं नहीं कराची में, मैं जब सर, गई थी तो नहीं यहाँ पे जी ऐसा बाहर खाना कोई खाने नहीं। बैठती थी ना, तो इतने बच्चे आते थे भीख मांगने, मुझसे खाया नहीं जाता था सीरियसली। अभी भी यही हाल है, अभी भी यही हाल है, अभी भी यही हाल है। आप इधर चले जाओ कराची में, कभी आना हो, यही हाल है। हाँ, तो आप अपने दोस्तों को भी बोलते हो यही चीजें, समझाते हो उनको कि इस तरह से नहीं करना चाहिए औरतों के साथ, लड़कियों के साथ। भाई हम तो चक्कर, मैं तो चक्कर में नहीं हूँ, साफ सीधी बात है ना, हमारा अच्छा मन है चक्कर में, हम तो चक्कर में नहीं। देखो, लड़कियों को पसंद करना इट्स नॉट अ बैड थिंग। आपकी जब मेच्योरिटी में आप आ जाते हो ना, जैसे कहते हैं बालिग हो जाता है बंदा या बंदी, कब तो ऑटोमेटिकली कब आपको अट्रैक्शन होती है, वो एक नेचुरल चीज तो है। नहीं तो करो ना, चिपक चिपको तो नहीं ना बहन, चिपक क्यों नहीं हो, करो ना इजाजत से भाई, तुम्हें करो। किसने मना, इजाजत से करो ना। सबसे ज्यादा रेप का जो ग्रोथ रेट है, सबसे ज्यादा कहीं पर ही है पाकिस्तान में, हाँ, हरासमेंट वो और अगली रेप, और दे घर में ज्यादा होते अगली हैं अगली और सामने वाले ज्यादा करते हैं। हाँ अगली देती नहीं इनको, ये रेप करके चले आते, रजामंदी नहीं है। वो नहीं दे रही तो तुम क्यों पीछे लग रहे हो भाई, कहीं और चले जाओ, कहीं क्योंकि हमारे और वहां पर चले एक जाओ। बड़ी वो इन्होंने बनाई हुई है ना कि हंसी तो फंसी, या इसकी ना में भी हाँ है, ये सारी चीजें जो है ना, और ये हमारी बिल बॉलीवुड बे मूवीज बे में एंड दैट्स स्टूपिड, यू नो। बेतु की बेतु की बातें हैं, जो कुछ भी नहीं, बेतु की बात और कुछ हाँ भी नहीं। चले, मैं आगे बढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम था आपका? हुजैफा, राइट, जी, हुजैफा। हाँ, थैंक यू सो मच, आप दोबारा जरूर आना, आपकी बात मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, सही है, मैसेज पे बात करते हैं अब, ठीक है ना, अगर आप फ्री हैं तो, हम तो चल फ्री ठीक होते है, नहीं। मैं कोशिश करूंगी, वैसे मैसेजेस में मैं इतना बात नहीं करती हूँ, इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो थैंक यू मगर। ठीक है ओके सर, ठीक है, चलिए खुदा। बाय बाय। देखो ना, मैंने कहा था ना पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, है ना। आप दोनों बेगैरत हैं। हाँ, बस आपके